हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार और आज हम सीखेंगे घर में ही आसानी से बैंगन की स्वादिष्ट सब्जी बनाना। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इस सब्जी को आप कुकर या माइक्रोवेव में कैसे बना सकते हैं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके लिए हमें चाहिए होगा 250 ग्राम कटा हुआ बैंगन, एक बड़ा आलू कटा हुआ, एक बड़ा टमाटर कटा हुआ, एक मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ, एक चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, एक चम्मच कटी हुई बारीक अदरक, एक चम्मच कटी हुई बारीक लहसुन, एक चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा एक टीस्पून जीरा और दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है इसके लिए, जो कि पहला सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हमारा है वो है मैगी मसाला। आपको आसानी से बाजार में 5 रुपए की पैकेट मिल जाएगी। ये सबसे बेहतरीन मसाला होता है बैगन की सब्जी बनाने के लिए, आपको मैं बाद बताऊंगा क्यों। और दूसरा जो है इंग्रेडिएंट वो हमारा सरसों का तेल। याद रखें, हम मोस्टली आजकल घरों में सब्जियां रिफाइंड तेल की बनाते हैं ड्यू टू दी फियर ऑफ फैट, बट आपको एक ही चम्मच में कैसे स्वादिष्ट बैंगन की सब्जी बनानी है सरसों के तेल से, वो मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस सब्जी को कुकर में बनाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है कि 2 से 3 चम्मच ही सरसों तेल लें अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो, और तेज आंच पे आप जीरे और सरसों के फोरन के साथ अदरक लहसुन हरी मिर्च और प्याज को भून लें। फिर आपको उस भुने हुए प्याज में डालना है आलू और बैंगन नमक और हल्दी के साथ में, और उसे अच्छी तरह मिला लें। मिलाने के बाद आपको 2 से 3 मिनट से कम आंच पर ढक के रखना है। फिर उस ढक्कन को आप हटा दें कुकर से। याद रखें, कुकर ढक्कन अभी आप लॉक नहीं कर रहे हैं। और ढक्कन हटाने के बाद आपको उसमें लाल मिर्च का पाउडर और जो मैगी मसाला है दोनों एक एक चम्मच डाल करके 2 कप पानी डालना है, और भूनने की जरूरत नहीं है, बैगन हमारा तब तक दम ले चुका है। 2 कप पानी डालने के बाद आप उसको 5 से 6 सीटी तक तेज आंच पर उबालेंगे। फिर दम हटने के बाद आप कुकर ढक्कन हटा देंगे। बैगन बिल्कुल गल चुका होगा, सिर्फ आलू गोटा गोटा रहेगा उसमें। याद रखें, जब आप पानी डालें साथ में आप टमाटर भी डाल दें तो हमारे बैगन की सब्जी दमदार बन जाएगी ऐसे कुकर में। हार्डली 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। अब देखिए इसे हम माइक्रोवेव में कैसे बनाते हैं सिर्फ 1 चम्मच सरसों के तेल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, हम जो है इन सारी चीजों को मिला लेंगे, फिर इसे हम बैगन में डाल करके इसे माइक्रोवेव में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, अदरक लहसुन, मिर्चा, प्याज, टमाटर और आलू। तो टमाटर को पहले हम अलग कर लें, टमाटर को हम इसमें मिक्सचर में नहीं डालने वाले, क्योंकि बैगन और टमाटर जो है वो बेस पे रहेंगे इस कंटेनर के, और बाकी सारी सब्जियां इसके टॉप में जाएंगी। तो चलिए पहले इन्हें मिला लेते हैं सब्जियों को अच्छे से, और इनमें फिर हम मिलाएंगे सरसों का तेल सिर्फ 1 चम्मच। जैसा आपने देखा, मैंने सिर्फ 1 चम्मच इन सरसों का तेल डाला है, और इन सभी चीजों को हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी सारी चीजें अच्छे से मिल गई। अब हमें करना क्या है, आप कहेंगे कि इसे हम बैगन के साथ मिलाएंगे, नहीं, अभी एक छोटा सा काम बाकी है, वो है काम मैगी मसाले का। तो इसे क्या हम आलू में डाल रहे हैं, नहीं, इसे हम डालेंगे बैगन और टमाटर के ऊपर लगभग 1 टीस्पून, और फिर हम इसे बैगन और टमाटर के साथ हल्का सा मिला लेना है। रीजन मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मसाला ऑलरेडी लगभग पका हुआ रहता है और बैगन और टमाटर जो है इनमें हल्की सी नमी रहेगी, तो ये इस मसाले को जलने से बचाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा मैगी का मसाला भूनने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो है जब बैगन और टमाटर अच्छे से मिल जाएंगे इस मसाले के साथ, तब हम इसमें अपने बाकी के मिक्सचर को डाल देंगे। दोस्तों चलिए अब इस कंटेंट को हम बैगन और टमाटर के ऊपर बिछा देते हैं। याद रखिए, हमने मसाला जो है उसे बैगन और टमाटर के साथ मिलाया है, बाकी सारी चीजों को आलू और प्याज के साथ मिलाया है। दोस्तों हमारा सारा कंटेंट जो है अब इस कंटेनर में जा चुका है, इसे हल्का सा फ्लैट कर देंगे हम और माइक्रोवेव में लग देंगे लगभग 20 मिनट के लिए। क्या देखें, कंटेंट हमारा थोड़ा ज्यादा है इसलिए मैं 20 मिनट के लिए रख रहा हूं। अगर आप बैगन कम ले रहे हैं, जैसे मैंने 250 ग्राम बैगन लिया था, अगर आप बैगन कम लेते हैं तो आप 15 मिनट के लिए रख सकते हैं। तो
चलिए चम्मच को हम अलग कर देते हैं, स्टील को आप माइक्रोवेव नहीं रख सकते हैं वरना आपका माइक्रोवेव खराब हो जाएगा। देखिए हमारी सब्जी माइक्रोवेव के अंदर, पावर लेवल हमने रखा है मीडियम हाई पे और इसे मैं सेट कर रहा हूं 20 मिनट के लिए। तो ये हमारा माइक्रोवेव चालू हो गया है, 20 मिनट के बाद जब हमारी सब्जी गल जाएगी तब इसमें हम पानी डाल के खौला लेंगे। तो दोस्तों जब तक हमारी सब्जी माइक्रोवेव में पक रही है तब तक मैं आपको कुछ जरूर टिप्स दे दूं। कुछ लोगों की ये क्वेरी होती है कि हमारा माइक्रोवेव का पावर लेवल आपके पावर लेवल से मैच नहीं करता है तो हम कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं इनिशियली माइक्रोवेव के साथ तो आप एक बार में ही 15 मिनट 20 मिनट के लिए सेट ना करें, आप 8 मिनट 10 मिनट के लिए अलग अलग पावर लेवल पर सेट करके देख लें कि आपकी रेसिपीज कैसा बिहेव कर रही है। और मान लीजिए अगर 10 मिनट में आपकी रेसिपी पावर लेवल 3 या पावर लेवल 4 पे पक जाती है तो आपको 15 मिनट के लिए रखने की कोई जरूरत नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट कि कितना कंटेंट है हमारे कंटेनर के अंदर, उसका वॉल्यूम कितना है और दूसरा हमारे माइक्रोवेव का पावर लेवल किस लेवल तक गर्म करता है चीज़ों को। तो आप अगर जैसे मैंने यहाँ पे 20 मिनट कहा है सब्जी के लिए, मेरा कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है और मेरे माइक्रोवेव में मीडियम हाई पावर लेवल पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं आती है, तो अगर आप कोई दूसरा माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं या अगर आप बहुत ज़्यादा अश्योर्ड नहीं है तो आप इनिशियली 10 या 12 मिनट के रख के देखिए, अगर तब तक आपकी सब्जी गल जाती है तो आप उसे उसी में निकाल करके फिर उसमें जो है पानी डाल के उबाल सकते हैं। और रही बात कुकर में पकाने वाले लोगों के लिए, तो उनके लिए एक टिप मैं जरूर दूंगा, बहुत से लोगों को हड़बड़ी होती है, वो 4 सीटी 5 सीटी की जगह 10 सीटी मार देते हैं और तुरंत कुकर ढक्कन खोल करके चाहते हैं कि हमारी सब्जी पक जाए। तो एक या दो बार के लिए ठीक है, मे बी आपकी सब्जी शायद अच्छे से पक भी जाए, आपका टाइम थोड़ा 5-7 मिनट बच भी जाए, लेकिन ऑन अ लॉन्ग रन ये कुकर को खराब कर देता है। अगर आप तुरंत कुकर का भाप निकाल देंगे तो होगा ये कि आपका जो कुकर है उसका रबड़ खराब हो जाता है और वो कुकर थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो ऑन अ लॉन्ग रन व्हाट विल हैपन इज कि जब आप दाल पका रहे हैं या सब्जी पका रहे हैं बहुत बार देखेंगे कुकर से दाल फेंक देती है, सीटी जब निकलता है उसके सारे मटेरियल बाहर निकलने लग जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपने अपने कुकर को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया है और जब आप उसका भाप बहुत आसानी से निकालते हैं तब उसकी बॉडी चूंकि एल्यूमिनियम की होती है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो उसका ध्यान रखें, जो बर्तन जिस हिसाब से बना है उसका वैसा इस्तेमाल करें। भाप को निकलने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है सीटी होने के बाद, तो कृपा करके 15 से 20 मिनट तक आप रुक जाएं और 15 मिनट देर से ही सही लेकिन आप अच्छे खाने को खाएं और अच्छे तरह से अपने बर्तन को भी ट्रीट करें क्योंकि उन्हीं बर्तनों में आप खाना बनाते हैं। तो दोस्तों मसालों की पकने की बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है, चलिए एक बार निकाल के देख लेते हैं। अगर हमारा बैगन ऑलरेडी पक चुका है, अभी लगभग 16 मिनट ही हुए, तो अगर ये ऑलरेडी पक चुका है तो हम इसमें पानी डाल देंगे। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। बैगन हमारा बेहतरीन तरीके से पक चुका है, हमें करना क्या है, इसमें हम लगभग 2 कप पानी डालेंगे। आप चाहें तो इसे भुजिया भी निकाल सकते हैं, अच्छे से मिला लें। भुना हुआ बैगन आप पराठों के साथ बेस्ट रहेगा खाने के लिए, घी के पराठे मोटे वाले आटे के बने पराठों के साथ प्रयोग करें, बेहतरीन लगता है। और अगर आप थोड़ा गीला बैगन खाना चाहते हैं तो आप चावल के साथ खा सकें, बंगाली रेसिपी है तो जो मेरे बंगाली फ्रेंड्स देख रहे हैं उन्हें बहुत पसंद आएगी। इसमें मैंने लगभग 2 कप पानी डाल दिया है और इसे फर्दर 15 मिनट के लिए मैं माइक्रोवेव में रखूंगा। अगर आप कुकर में पका रहे हैं तो 5 से 6 सीटियां काफ़ी होती हैं, माइक्रोवेव में 15 मिनट गलने के बाद आप रख सकते हैं। ये हो गया हमारा बैगन माइक्रोवेव के अंदर और इसमें फिर से फर्दर 15 मिनट सेट कर दूंगा। तो दोस्तों लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारी सब्जी से। जैसे ही माइक्रोवेव बंद होता है हम इसे निकाल लेंगे और फिर इसे मिला देंगे अच्छे से चम्मच की सहायता सो दैट कि बैगन घुल जाए। तो चलिए हमारी सब्जी को निकाल के देख लेते हैं, काफी ज्यादा भाप निकलती है, बहुत सावधानी बरतें गर्मा गर्म चीजों को जब आप माइक्रोवेव से निकाल रहे होते हैं। कई बार हाथ जलने का भी डर रहता है। ये देखिए हमारी सब्जी शानदार से बनी है, वैसे करना क्या है, छोटा सा काम बाकी है मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बार जब आप प्रेशर कुकर में बनाते हैं तब तो ये बैगन अपने आप घुल जाता है सीटी का प्रेशर के चक्कर में, लेकिन अगर आप चूल्हे पे कढ़ाई में या माइक्रोवेव में बना रहे हैं
तो आपको इसे मिलाना पड़ेगा। इसे ऐसे करके मिला देंगे और जो है धनिया पत्ती के साथ शानदार सा गार्निश कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी सब्जी अच्छे से मिल चुकी है, इसे आप धनिया पत्ती के साथ गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। पराठों के साथ सर्व करना चाहते हैं तो थोड़ी सूखी रखें, और राइस के साथ सर्व करना चाहते हैं तो थोड़ी सी लखपट्टी अच्छी लगेगी। थैंक यू।